एलजेडी का सारा कार्यकर्ता आपके खिलाफ आकर के खड़ा रहेगा और आपसे बात करेगा। आप ये बात मत समझिए कि ये सीट और ये प्रेसिडेंट सीट आपकी रहने वाली है, आपके बाप की जागीर नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो आपने डिसीजन लिया वो गलत है, हम खंडन कर रहे हैं और हम ये पुतला आपका जला रहे और रोज जलाएंगे जब तक का हैदराबाद पार्लियामेंट के अंदर जो लोग एमआईएम के खिलाफ लड़ रहे आप उनकी लड़ाई को खत्म कर दिया। आपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीछे ढकल दिया, आपने कांग्रेस पार्टी को वोट सिटी के अंदर आप दबाने के अपने कदमों से कुचलने का काम आपकी मोहब्बत आपकी भाईबंदी आपके पास रखी है। गायब ये कांग्रेस पार्टी का काम है और ये कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ये आपको भी बता देगा कि वोट सिटी के अंदर हम है और हम लड़ेंगे। गायब हमारे खिलाफ इस दिन आया कभी हम ये लड़ेंगे। जय हिंद कांग्रेस पार्टी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं मरियम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। क्योंकि ओएलजीडी किसी के बाप की जागीर नहीं है, ओएलजीडी का डिसीजन लेने से पहले ओएलजीडी के तमाम लोगों से बात करना था, ओएलजीडी के लोगों में आप जाकर घुस के देखना था। आपने ओएलजीडी के साथ गलत किया। ओएलजीडी के अंदर जो 90% एरिया मुसलमानों का है वहाँ पे आप एक गैर मुस्लिम को टिकट देते और आप जो है चंदन भुट्टे के अंदर जो इकबरुद्दीन अवैसी की टक्कर में लड़ने वाला है उसके खिलाफ आपने कोई हिंदी कैंडिडेट खड़ा करा, ये बात यही नहीं है कि आपने भाई भाई करके ओएलजीडी के लोगों का भविष्य खराब कर दिया। ओएलजीडी के कांग्रेस के कार्यकर्ता ओएलजीडी के कांग्रेस के लीडर्स का भविष्य खराब करने में आपका रोल रहा, ताकि आप ये बात को मान लें और ये बात को समझ लें आप कि आपके रास्ते खुले रहे आपका बिजनेस बना रहे इसलिए आपने ये डिसीजन लिया और ये डिसीजन का हम खंडन करते हैं और ओएलजीडी के टिकटों का खंडन करते हैं। ओएलजीडी का सारा कार्यकर्ता आपके खिलाफ आकर के खड़ा रहेगा और आपसे बात करेगा। आप ये बात मत समझिए कि ये सीट और ये प्रेसिडेंट सीट आपकी रहने वाली है, आपके बाप की जागीर नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो आपने डिसीजन लिया वो गलत है, हम खंडन कर रहे हैं और हम ये पुतला आपका जला रहे और रोज जलाएंगे जब तक का हैदराबाद पार्लियामेंट के अंदर जो लोग एमआईएम के खिलाफ लड़ रहे आप उनकी लड़ाई को खत्म कर दिया। आपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीछे ढकल दिया, आपने कांग्रेस पार्टी को वोट सिटी के अंदर आप दबाने के अपने कदमों से कुचलने का काम आपकी मोहब्बत आपकी भाईबंदी आपके पास रखी है। गायब ये कांग्रेस पार्टी का काम है और ये कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ये आपको भी बता देगा कि ओएलजीडी के अंदर हम है और हम लड़ेंगे। गायब हमारे खिलाफ इस दिन आया कभी हम ये लड़ेंगे। जय हिंद कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी सारे तेलंगाना में लीडरों को चुनेगी। बाबा भाई और उनकी टीम, चंद्रायन भुट्टे से शकील भाई की टीम और दीगर लीडर अपनी मेहनत कर रहे थे, सब लोगों ने मेहनत की। जूम मीटिंग में हम सब मौजूद थे, हम गांधी भवन में जब जब बुलाया मौजूद थे, ग्राउंड में हम मौजूद थे। फिर ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस पार्टी ने पैराशूट से उतरे हुए लीडर्स को टिकट दे दिया। पिछली बार भी ऐसे ही चंद्रायन भुट्टे और ओल सिटी के साथ नाइंसाफी की गई और इस बार भी नाइंसाफी का सिलसिला जारी है। अगर मजलिस से आपको मिलके काम करना था तो पहले हमको बता देते, हम कहीं और से अपनी कैंडिडेट से दाखिल करते, कहीं और मेहनत करते। आपने तयकुन दिया कि मजलिस से हट के काम करेंगे, मुसलमानों ओल सिटी के माइनॉरिटीज के लिए काम करेंगे, लेकिन आपने साथ गाद करके ऐसे डमी कैंडिडेट को टिकट दिया है। मैं लिख के देता हूँ, किसी भी हल्के से वो कैंडिडेट 10,000 से ज्यादा वोट लेके आए तो अब्दुल कलाम को भी नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी अगर दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।